देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया दी है। तन्खा का यह कहना है कि यह योजना लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिरने वाली योजना है। जो युवा 16 साल सेना में सेवा देने का सोच रहा था, उससे महज 4 साल मौका दिया जाएगा। यह युवाओं के साथ बड़ा छल है, खिलवाड़ है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि अपना विरोध शांतिपूर्वक करें, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन अपना विरोध जारी रखें। बहुत सारे युवाओं की एक आशा का प्रतीक होता था जो आर्मी ज्वाइन करना, स्पेशली रूरल एरियाज में, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश में आप देख, रीवा जाइए, भिंड जाइए, मुरैना जाइए, दतिया जाइए, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ बच्चे जब जन्म होता है तब से सपना देखते हैं कि हम आर्मी ज्वाइन करेंगे और अपने आप ही को ट्रेन करते हैं। आप सोचो, वो बच्चे आप 3 साल से रुके थे, 2 साल 3 साल से अपने आप ही को फिट रख रहे थे, और जब वक्त आया सिलेक्शन का तो कहा आपको 16 साल नहीं 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें पेंशन भी नहीं मिलेगी, उसमें कोई ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो जब ये सुना तो बच्चे आक्रोशित हो गए। आप युवा को इग्नाइट करोगे तो युवा को रोक नहीं पाओगे, जबकि मेरी अपील है बच्चों से कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी ना मत डिस्ट्रॉय करिए, बिकॉज ये नेशन की प्रॉपर्टी है। इस अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में छात्र उग्र आंदोलन कर रहे हैं। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहां पर चंबल अंचल में भी छात्रों ने तोड़फोड़ की है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में कोचिंग सेंटर के संचालकों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने 4 कोचिंग संचालकों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही 50 छात्रों को चिन्हित किया गया है। अब ये जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक फिजिकल क्लब और उसके संबंधित कोचिंग सेंटर संचालन के लिए संचालकों को एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी विनोद शर्मा दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर विरोध हो रहा है, तो प्रशासन और सरकार के लिए छात्रों ने चुनौती खड़ी कर दी है। मैं इस समय ग्वालियर के थाटीपुर के मयूर मार्केट इलाके में हूँ। यहाँ ज़्यादातर कोचिंग हैं जो छात्रों को बैंक से लेकर डिफेंस की तैयारियाँ कराती हैं, एसएससी की तैयारियाँ कराती हैं, और यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने भी आते हैं। और ख़ासकर मैं बता दूं कि पूरा जो भिंड और मुरैना के आसपास जो दतिया ज़िला है, चाहे डबरा के छात्र हों या फिर शिवपुरी तक के स्टूडेंट हों, वो यहाँ पर क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म होते हैं 6 महीने के या 1 साल के, उनकी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद छात्र परीक्षाएं देते हैं, और फिर प्रतियोगिता परीक्षा में जब पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी की संभावना बनती है। लेकिन इन कोचिंगों को लेकर आजकल बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है, क्योंकि इस तरह के इनपुट आए हैं जिला कलेक्टर के पास कि कोचिंग सेंटरों से छात्रों को उग्र और उपद्रव करने के लिए भड़काया गया है। इसीलिए ज़्यादातर कोचिंगों में अभी छुट्टी है, सील कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। जहां हमें छात्रों की संख्या सैकड़ों में दिखाई देती इस इलाके में, आज सुनसान पड़ी है। कुछ ये 2 छात्र भी हैं, ये भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहीं इसी इलाके में? हाँ, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं RSR से। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, इसके बारे में किसी ने आपको बताया है, समझाया है, क्या हो रहा है? नहीं, हमको पता है ना, ऐसे हमको पता था पहले से कि 4 साल की नौकरी, ऐसा कोई टीचर ने हमको भड़काया नहीं है, किसी ने हमसे कुछ नहीं बोला, पर सर गलत है ये 4 साल की। कैसे आप लोगों ने, क्या अखबार में पढ़ा, टीवी पे देखा, कहाँ? हमने अखबार में, हम लाइब्रेरी जाते हैं, ऐसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी जाते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा था। आप भी डिफेंस की तैयारी? हाँ, डिफेंस की तैयारी करते हैं। आप दोनों को, जहाँ पढ़ते हो वहाँ कोई टीचर वगैरह ऐसी चीज़ करने के लिए तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं, हम ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, और कुछ उससे भी पढ़ते हैं, ऐप से। बिल्कुल, देखिए इन लोगों का जो कहना है कि किसी ने फोर्स नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रशासन की जाँच में जो तथ्य सामने आए, उसमें ऐसा लगा है कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझाई गई है, उनको बताया गया है, और इसीलिए एक जगह नहीं बल्कि देश के कई शहरों में हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हुए और उन्होंने इस परीक्षा की भर्ती का विरोध करते हुए तमाम जगह हिंसा भी की है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ है। कहीं ट्रेन फूकी जा रही है तो कहीं चक्का जाम हो रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल माहौल शांत था,
लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस मुद्दे पर किए गए अलग तरह के बयान से कहीं सियासत शुरू हो गई है। जिस दिन से केंद्र सरकार ने देश में बेरोजगारी कम करने और सेना को युवा करने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तभी से देश में इसके खिलाफ लहर चल रही है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक पूरे देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसी बीच राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने अग्निपथ में होने वाली भर्तियों को लेकर गंभीर आशंका व्यक्त की है। इस मसले पर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान अलग ही सियासत पैदा करता नजर आ रहा है। सीएम का कहना है कि एक तरफ दो साल से सेना में भर्तियां बंद हैं, दूसरी तरफ केवल चार साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। सीएम बघेल ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पूरे देश के युवाओं का भविष्य और सीमाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आगे कहा, सेना से ट्रेनिंग लेकर बंदूक चलाना सीख कर आया जवान अगर बेरोजगार हो जाएगा तो वो किस दिशा में जाएगा। नंबर दो, सेना पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? दो साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और चार साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है? और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है, तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार का समर्थन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी को भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। केंद्र युवाओं के हित में जो काम करती है उस पर कहीं संशय नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की सारी नीतियाँ स्पष्ट है और स्पष्ट होने के बाद में राज्य में क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार मुझे लगता है कि जितना युवाओं के हित में, प्रदेश के हित में, राष्ट्रीय हित में जो योजना बनाती है, काम करती है, उसको लेकर के कहीं संशय की स्थिति नहीं है, न प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, अग्निवीर देश में एक नया प्रयोग है जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आएं और दूसरी जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो। ये एक अच्छा प्रयोग इस देश में हो रहा है, अन्य देशों में भी इसी तरीके की परंपरा है। अग्निवीर एक देश में एक प्रयोग, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में कंपलसरी तो नहीं कर सकता मिलिट्री ट्रेनिंग को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर आएँ और वहाँ से फिर दूसरे जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो, तो एक अच्छा प्रयोग है, इस देश में हो रहा है, अन्य देशों में भी ये परंपरा है। चाहे किसान आंदोलन हो या फिर अब अग्निपथ पर अग्निकांड, लगातार केंद्र की योजनाओं का इस तरह से विरोध, ये मोदी सरकार के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं? उम्मीद है कि सरकार ने नौजवानों के भविष्य के लिए यदि सही में योजना बनाई है तो उसको इस मामले को जल्द सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो युवा विरोध के नाम पर देश की संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। जरूरत है उन्हें सही तरीके से समझाने की। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। देश भर में अग्निपथ की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उज्जैन पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। अब उज्जैन रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। उज्जैन एडिशनल एसपी शेयर इंद्रजीत बाकरवाल ने पूरे अमले के साथ स्टेशन के चारों तरफ निरीक्षण किया। अग्निपथ के इस विरोध को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया है एक पत्र। युवाओं के साथ है कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी युवाओं से अहिंसक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रही हैं। तो सोनिया गांधी की तरफ से समर्थन मिला है अग्निपथ को लेकर। अग्निपथ के विरोध को कांग्रेस का समर्थन हासिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया है पत्र। युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी है। सोनिया गांधी युवाओं से अहिंसक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रही हैं। अब आप देखिए, धीरे धीरे करके ये अपील की जा रही है कि आप अपने इस
विरोध को दर्ज कराइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से।